हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस कर एजुकेशनल ग्रुप पर स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.4 का पिछले वीडियो में हमने देख चुका था एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब उसमें ऑब्जेक्टिव का दो क्वेश्चन और बच गया था थर्ड एंड फोर्थ, उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व सोल्यूशन कराऊँगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में है 1 माइनस साइन ए बराबर है किसका बराबर। ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है सेक ए, ऑप्शन नंबर बी है साइन ए, ऑप्शन नंबर सी है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए। तो हम लोग के सोल्यूशन करना है और देखना है कि किसके बराबर होता है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है सेक ए प्लस में टेन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए, टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो हमको ये दोनों को उस फार्मूले में रूपांतरित कर देना है। तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए प्लस है टैन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। अब इंटू है तो इंटू इंटू में क्या है 1 माइनस साइन, इसको जैसा वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस में साइन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए। ये दोनों को गुना कर देते हैं तो दोनों को गुना ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, और बटा में क्या हो जाएगा बटा में कॉस ए हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये a माइनस b के फॉर्म में आ गया है। तो इसको उस फार्मूला पर रख देते हैं तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं कि 1 का स्क्वायर अब माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि बी यहाँ पर साइन है और ए है जो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, अब बटा में क्या है कॉस ए है तो कॉस ए लिख देते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख देते हैं, बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे जिसमें था क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या है कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा क्या कॉस ए। तो हम लोग को क्या आया इतना के बराबर कॉस ए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट है कॉस ए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये 8.4 का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का फोर्थ लास्ट है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। तो आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग सिंपल से एक फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे जिसमें क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता था। तो वहीं से ये फार्मूला है जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है उसका बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि सेक ए बटे कॉसेक ए का फॉर्मूला हो जाता है टेन ए। तो हम अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, या फिर तो ऐसे कर सकते हैं कि सेक ए बटा में कॉसेक ए के होल
स्क्वायर हो जाएगा, तब इसको फार्मूला के रूप में आ जाएगा टेन ए, तो टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसमें टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग चारों ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन आज देख लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें बहुत भी आई है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।